नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल यूनिक स्टार पर। दोस्तों, पांच का पंच सीरीज 12 आज शुरुआत हो रहा है और उसमें पहला क्वेश्चन आपका दमदार क्वेश्चन है कि बिसल देव रासो के रचयिता कौन है। बिसल देव रासो के रचयिता कौन है दोस्तों? बिसल देव रासो छोटा सा रहेगा, बिसल देव रासो। अब ऑप्शन है आपका चंद्रवरदाई, जगलिक, दलपति विजय, नरपति नाम है। तो ध्यान रखिएगा दोस्तों, अब जानते हैं। देखिए उत्तर तो पता है आपको, आइए देख लेते हैं। इन्होंने लिखा है दोस्तों, जो चंद्रवरदाई है इन्होंने लिखा है पृथ्वी राज रासो, पृथ्वी राज रासो, ठीक है ना। अब आते हैं, इसे कहा जाता है दोस्तों, यू कहिए कि इसे छंदों का अजायब घर, अजायब घर कहा जाता है। चंद्रवरदाई की रचना है दोस्तों, और यह ध्यान रखिएगा 1191 और 1192 में तराइन के फर्स्ट और सेकेंड युद्ध हुए थे, जिसमें दूसरे युद्ध में पृथ्वीराज चौहान का हार हुआ था, मोहम्मद गोरी का विजय हुआ था। उसी समय इन्होंने अपने पुत्र जगनिक को अपना ग्रंथ सौंप करके पृथ्वीराज चौहान के साथ मोहम्मद गोरी के यहाँ चले जाते हैं। तो दोस्तों आगे मैं और भी बात करूंगा, हालांकि इसके पहले उत्तर की हम लोग बात कर लेते हैं। आप देखिए चंद्रवरदाई, जगनिक, दलपति विजय, नरपति नाल, और इसका उत्तर दोस्तों आपका हो जाएगा नरपति नाल। इन्होंने लिखा है इन्होंने, और आपका बचा जगनिक और दलपति विजय। तो अब देखिए जगनिक की बात करें तो दोस्तों परमान रासो, और दलपति विजय की बात करें तो खुमान रासो। इनकी जो रचना है बहुत इंपॉर्टेंट है, खुमान रासो, और इनकी रचना है परमाल, परमाल रासो, ठीक है ना, परमाल रासो और खुमान रासो। दोस्तों ध्यान रखिएगा, और इसमें एक चीज और समझना है कि ये जो आपका चंद्रवरदाई जी हैं, इनको कहा जाता है छप्पय का राजा। दोस्तों ध्यान रखिएगा, छप्पय का राजा कहा जाता है चंद्रवरदाई जी को, छप्पय का राजा कहा जाता है। अगर इसमें देखा जाए तो लगभग 69 खंड कहिए, इसमें 69 खंड है दोस्तों, और इसमें 68 प्रकार के छंद है। तो सोचिए इतने प्रकार के छंद है, इसीलिए तो इसे छंदों का अजायब घर कहा जाता है। छंदों का अजायब घर किसे कहा जाता है? तो चंद्रवरदाई के पृथ्वीराज रासो को कहा जाता है, जो जिसकी रचना उन्होंने की थी 69 खंडों में दोस्तों, और 68 प्रकार के छंद का इसमें प्रयोग हुआ है। और दलपति विजय जो है उन्होंने खुमान रासो की रचना की थी, और जगनिक ने परमाल रासो की रचना की थी, और नरपति नाथ ने विशल देव रासो की रचना की थी। और जानते हैं विशल देव जो है ना, ये अजमेर के शासक थे, अजमेर के शासक थे दोस्तों, याद रखिएगा। और एक चीज समझिए कि ये जो रासो शब्द है, रासो शब्द है, यह कहां से आया? तो इसको रासक, रासक मानते हैं कौन? हजारी प्रसाद द्विवेदी। हजारी प्रसाद द्विवेदी कहते हैं कि यह रासक जो है शब्द से आया है, जबकि शुक्ल इसे रसायन शब्द मानते हैं। क्या? रसायन, रसायन शब्द से उत्पत्ति मानते हैं कौन? शुक्ल साहब। तो शुक्ल ने रसायन शब्द माना, हजारी ने रासक शब्द माना, जहां से रासो शब्द की उत्पत्ति हुई है दोस्तों। और अब देखिए इस प्रश्न का उत्तर मैंने बहुत ही बेहतरीन तरीके से आपको बता दिया है, स्क्रीनशॉट ले लीजिए, ठीक है, आगे बढ़िए। दोस्तों दूसरा जो जबरदस्त क्वेश्चन है, ये प्रश्न है कि इनमें से कौन सी रचना जायसी की है, इनमें से कौन सी रचना जायसी की है दोस्तों, ये पूछ रहा है। तो जायसी की रचना आप जानते हैं कि पद्मावत है, क्योंकि ये जायसी ने लिखा है। और जायसी की दो रचनाएं और हमें समझना होगा, एक है अखरावट, अखरावट, और एक है दोस्तों आखिरी कलाम, आखिरी कलाम। ये दो रचनाएं और भी इनकी इंपॉर्टेंट है दोस्तों। अगर हम मृगावती की बात करें तो इसको लिखा है मंझन ने, किसने लिखा है? मंझन।
और मधुमालती पद्मावती समय। दोस्तों पद्मावती समय जो है चंद बरदाई का है, बरदाई का है, और जानते हैं यही लिखा है पृथ्वीराज रासो भाई, पृथ्वीराज रासो जो है यही लिखे हैं, ठीक है ना। और यही जो है 69 सर्ग कहिए या 69 भाग कहिए, ठीक है ना, 69 खंड कहिए में लिखा है। और इसमें 68 प्रकार के क्या है, छंद है, 68 प्रकार के छंद है। और इसी को छंदों का अजायब घर कहा जाता है, अजायब घर कहा जाता है। और चंद्र बरदाई को क्या कहा जाता है, छप्पे का राजा कहा जाता है। दोस्तों देखिए अब आता है आपका मधुमालती। दोस्तों मधुमालती की बात करें तो सॉरी यहां पर याद रखिएगा मधुमालती मंझन का है और मृगावती जो है ये कुतुबन का है। कुतुबन मृग कहाँ चला गया, वन में चला गया। मृग कहाँ चला गया, वन में चला गया। कुतुबन वन में मृग चला गया दोस्तों। और मंझन मधुमालती याद रखिएगा। पद्मावती समय चंद्र बरदाई पृथ्वीराज रासो के जो रचयिता है, 69 सर्ग है दोस्तों, 68 प्रकार के छंद है, छंदों का जायब घर कहा जाता है और इन्हें छप्पे का राजा कहा जाता है। और मधुमालती मंझन की है। देखिए दोस्तों ऐसे तैयार करना है हमें, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों देखते हैं आज का तीसरा क्वेश्चन। चंदायन किसकी रचना है दोस्तों। तो आप जानते हैं कि जायसी की होगी नहीं, क्योंकि इनका तो पद्मावत है, अखरावट है और आखिरी कलाम है दोस्तों। तो ध्यान रखिएगा पद्मावत में इनका जो नागमती वियोग वर्णन वाला खंड है वो बड़ा प्रसिद्ध है, ठीक है। अब देखिए आते हैं शेख नवी, ठीक है, मुल्ला दाऊद और कुतुबन। तो कुतुबन वन में क्या थी, मृग था, यानी मृगावती हो गया। अब आ गया दोस्तों मुल्ला दाऊद और कुतुबन और शेख नवी। तो ध्यान रखिएगा इसका उत्तर होगा मुल्ला दाऊद, क्योंकि शेख नवी का एक रचना है जिनका नाम है ज्ञानदीप, और मुल्ला दाऊद का चंदायन है दोस्तों, जिसमें चंदा नामक नायिका होती है, उसका एक राजा के साथ प्रेम होता है, उसी के बारे में बताया गया है। तो इसका उत्तर क्या होगा, मुल्ला दाऊद होगा साथियों। क्या होगा, मुल्ला दाऊद की रचना चंदायन, मुल्ला दाऊद की रचना चंदायन। चलिए आगे बढ़ते हैं साथियों। दोस्तों इस बार जो चौथा क्वेश्चन है वो देखिए कितना जबरदस्त है, कि कौन सी रचना आधुनिक काल का राम काव्य कहा जाता है, आधुनिक काल का राम काव्य। दोस्तों तो आप जानते हैं कि रामचरितमानस भी राम काव्य है, क्या है ये राम काव्य है, लेकिन ये भक्ति काल का है। कब का है, भक्ति काल में एक कवि हुआ करते थे जिनका नाम था तुलसीदास। तुलसीदास की रचना है दोस्तों, और यह रामचरितमानस जो है यह अवधि में लिखी हुई अवधि भाषा में है दोस्तों। और इसका जो खंड है या यूं कहिए कांड है, इसका जो कांड है वो 7 है, जिसमें एक जो बाल कांड है, बाल कांड ये बहुत ही बड़ा है, सबसे बड़ा, और किष्किंधा कांड सबसे छोटा है दोस्तों, ये सबसे छोटा है, इस चीज को ध्यान रखिएगा, अवधि भाषा में है। और यह राम काव्य जरूर है लेकिन भक्ति काल का है, और पूछा कौन सा है दोस्तों, पूछा है आपका कौन सा, तो ध्यान रखिएगा आधुनिक काल का, ठीक है ना। रामचंद्र का यह किसकी है भाई, केशव प्रसाद की है, ठीक है ना, ध्यान रखिएगा। रामचंद्र का किसकी है, तो ध्यान रखिएगा केशव प्रसाद नहीं, केशव दास कहिए इनको, केशव दास की है दोस्तों। और रामचंद्रिका जो केशव दास की है, इसको भी छंदों का अजायब घर कहा था किसी ने, अजायब घर कहा था। अब आपका प्रश्न है किसने कहा था रामचंद्रिका को छंदों का अजायब घर, साथियों ये आपको बताना है। और जानते हैं यह भी जो है संस्कृत प्रधान ब्रज भाषा है, ये क्या है, संस्कृत प्रधान ब्रज भाषा, ठीक है ना, इसमें है। और इसका जो आरंभ होता है गणेश स्तुति से,
गणित स्तुति होती है गणेश स्तुति। अब आते हैं दोस्तों साकेत की तरफ। साकेत मैथिली शरण गुप्त। दोस्तों यह ध्यान रखिएगा आधुनिक काल का राम काव्य है, राम काव्य है दोस्तों। और साकेत में टोटल 12 सर्ग हैं, जिसमें से जो नवा सर्ग है वह उर्मिला उर्मिला से रिलेटेड है। और उर्मिला का ये जो नवा सर्ग है वह बहुत पॉपुलर है इसका। और आप जानते हैं साकेत जो है एक महाकाव्य है, जिसे हम राम काव्य के तौर पे जानते हैं। और मैथिली शरण गुप्त को महात्मा गांधी ने राष्ट्र कवि की संज्ञा दी थी जब इन्होंने भारत भारती की रचना की थी और अंग्रेज इनको जेल में डाल देते हैं, तब यह इनको मिला था क्या, मैथिली शरण गुप्त को राष्ट्र कवि का दर्जा दोस्तों, और इन्होंने लिखा है। अब आते हैं परुम पयुम पयुम चरयु की बात करते हैं। तो इसके जो लेखक हैं स्वयंभू हैं, स्वयंभू ठीक है ना, स्वयंभू दोस्तों। इनको पहला राम कुमार वर्मा ने हिंदी साहित्य का पहला कवि माना है, याद रखिएगा हिंदी साहित्य का पहला कवि ये किसने माना है, राम कुमार वर्मा ने माना है। तो राम कुमार वर्मा के हिसाब से पयुम चरयु के रचयिता स्वयंभू पहले जो है कवि है राम कुमार वर्मा मानते हैं। और इसी स्वयंभू को दोस्तों अपभ्रंश का वाल्मीकि भी कहते हैं, वाल्मीकि अपभ्रंश का वाल्मीकि भी कहते हैं इन्हीं स्वयंभू को, ठीक है ना। तो पयुम चरयु पहली रचना मानी जाती है और पहले कवि इनको माना जाता है दोस्तों। और अगर हम लोग बात करें तो इसमें जो है ये जो साकेत के रचनाकार है मैथिली शरण गुप्त, इनकी कुछ रचनाएं बड़ा इंपॉर्टेंट है दोस्तों, मैं यहीं पे लिख देता हूं। इनकी जानते हैं ये जो साकेत आई थी यह 1931 में आई थी, ठीक है ना। और इसी के बराबर इसी के जैसी यशोधरा, यह भी महाकाव्य है जो बुद्ध की पत्नी का वियोग वर्णन है जिसमें, और नौवें सर्ग में उर्मिला का वियोग वर्णन है दोस्तों। 1932 में इन्होंने इसको लिखा था यशोधरा को दोस्तों। उसके बाद तो आपको पता है कि इन्होंने कई रचनाएं की, जैसे आपका खंड काव्य में देखा जाए तो जयद्रथवध, भारत भारती खंड, ये तो महाकाव्य था। खंड काव्य में जयद्रथवध, भारत भारती, इसी पर इनको गिरफ्तार किया गया था, इसी रचना पर इनको गिरफ्तार किया गया था दोस्तों, भारत भारती पर। और पंचवटी, द्वापर, सिद्धराज, पंचवटी, द्वापर, सिद्धराज, ठीक है ना। तो जानते जयद्रथवध जो हुआ था 1910 में लिखा था, भारत भारती 1912 में लिखा था दोस्तों। अगर हम पंचवटी की बात करें तो 1925 में लिखा गया था, द्वापर 1936 में लिखा था, ठीक है ना। तो ये कुछ रचना, ये खंड काव्य है ध्यान रखिएगा, खंड काव्य है ये, और महाकाव्य में यशोधरा और साकेत को याद रखिएगा दोस्तों। पूरा का पूरा मैथिली शरण गुप्त की रचनाओं में जो मुख्य रचनाएं हैं वो मैंने आपको बता दिया। तो ध्यान दीजिए इस पर, इसको छोड़ना नहीं है दोस्तों, तोड़ना है, याद रखिएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं, अब हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ आगे बढ़िए। इस क्वेश्चन में देखिए दोस्तों, प्रश्न है बहुत आसान सा प्रश्न है कि कौन सी रचना तुलसीदास की नहीं है। तो ये देखिए इसमें दिया है बरवे रामायण तुलसीदास की है, रामचंद्रिका दोस्तों ये केशव दास की है, किसकी है, केशव दास की है। और विनय पत्रिका तुलसीदास की है दोस्तों, दोहावली तुलसीदास की है। तो ये तीन रचनाएं तुलसीदास की है। और वरवर रामायण तो एक दिन में लिखा था इन्होंने, एक दिन में लिखा था दोस्तों। और विनय पत्रिका अवधि भाषा में दोस्तों, अवधि भाषा में है, दोहावली भी इनकी रचना है। इस प्रकार आज पांच का पंच का 12वां सीरीज समाप्त होता है। अब आपकी बारी है कि कैसे आप अपनी तैयारी को धार देते हैं। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, जय हिंदी दोस्तों।